हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा आज मैं बात करूंगी फाइव हार्श ट्रूथ यू विश यू न्यू अर्लियर तो दिस इज नॉट अबाउट कि कोई पेसिमिस्टिक व्यू है मेरा बट मेरे जो रियलाइजेशन रहे हैं जो जल्दी पता चल जाए तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे मेरे हिसाब से क्योंकि नो एक्सपेक्टेशन अप्रोच में आप अपने लाइफ को बिता सकते हैं तो पहला हार्श ट्रूथ है एवरी चेंजेस मतलब कि आप जो पर्सन आज हो आप एक साल पहले कुछ और थो और और थे और अब कुछ और हो वैसे ही आ, लोग भी बदल जाते हैं हमारे सिचुएशंस बदल जाते हैं सर्कमस्टांसिस बदल जाते हैं हो सकता है आज हम बहुत अच्छी पोजिशन में बट कल को कुछ डाउनफॉल आ, आ जाए तो हम कम भी हो सकते हैं और अगर आज हम कम हैं तो हम ज्यादा भी हो सकते हैं कोई हमें पसंद बहुत आता था बट अब हमारा माइंड शिफ्ट हो गया अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता या फिर हम न्यूट्रल हो गए उनके तरफ या फिर कोई हमें जिससे बहुत नफरत थी अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे तो चीजें हमेशा सेम नहीं रहती है बदलती रहती है तो इससे इसके दो पहलू हैं अच्छी बात तो ये है कि अगर आप कोई बुरी सिचुएशन में स्टक हैं तो आपको ये याद रखने में हेल्प रहेगा कि ये भी चेंज होगा दिस शैल टू पास ये चीज सिचुएशन भी बदल जाएगी और अगर आप अच्छी सिचुएशन में हैं तो भी ये चीज याद रखना जरूरी है जो आपको ग्राउंडेड फील कराएगी और ग्रेटफुल फील कराएगी कि आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी बदलने वाला है अगला पॉइंट ये है कि लाइफ इज सेम एवरीवेयर तो मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो एक एवरेज क्राउड uh, है मतलब की uh, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी बेलकर्व uh, की जिसमें आ, बेल कर्व में अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एक बेल कर्व में प्लॉट करें कि वो कितने सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं तो जो मैक्सिमम मेजोरिटी एवरेज लोग है वो बीच में फॉल करते हैं ना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना ज्यादा एक्सट्रीमली पुअर या डाउन उस टाइप की जिंदगी तो आ, जो ये एवरेज वाला क्राउड है मोरलेस सबकी लाइफ चाहे कोई भी लोकेशन हो या कितना ही Uh, पैसा हो या uh, नॉर्मल में हो मोरल लेस सबकी लाइफ सेम है एक्सेप्ट फॉर पीपल जो वी वी आई पीज है या बेलकर्फ की एकदम एक्सट्रीम एंड में है आइदर ऑफ द साइड बट उनको छोड़ के बाकी सबकी मोरल लेस लाइफ सेम ही रहती है सेम टाइप के रूटीन्स रहते हैं बस किसी का लग्जरीज थोड़ा ज्यादा होगा कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होगा किसी का उन्नीस पीस होगा बट मोरल लेस सबकी लाइफ एक जैसी ही होती है तो ये रियलाइजेशन अब कोई इसलिए हेल्प करेगी कि आप फालतू में उन चीजों के पीछे ना भागें क्योंकि जो आपको खुशी नहीं दे रही है क्योंकि अल्टीमेटली मोर लेस सेम ही लाइफ जी रहे हैं अगर आप डेप्थ में सोचेंगे तो अगला पॉइंट है पीपल परसीव यू विद देयर ओन लेंस इसका मतलब यह है कि आप कितना ही अच्छा कर लें किसी के लिए अल्टीमेटली uh, उनकी क्या परसेप्शन आपके लिए होगी वो टोटली totally उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं अब तक के लाइफ के उस पर डिपेंड होगा कि वो आपको कैसे देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा करें और आपको आउटकम भी बहुत अच्छा ही मिले आपका काम है बस अपना बेस्ट देना बाकी उनके ऊपर है आउटकम पर आपका कंट्रोल नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए वहां पर आप उसमें सेटिस्फाइड रहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया बट इसके बाद अगर आपको वो आउटकम नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं तो जस्ट बिलीव इट कि शायद यूनिवर्स यही चाहता है अगला पॉइंट है नो वन लाइक्स अ परफेक्ट पर्सन सो दिस इज अ टफ वन फॉर मी बिकॉज मुझे uh, इस टाइप का मेरे लिमिटिंग बिलीव थे कि uh, जब आप परफेक्ट हो जाओगे आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंटेलिजेंट और uh, हर तरीके से आप परफेक्ट दिखोगे तो आप वर्दी हो लोगों लोग आपको अपनाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप परफेक्ट हो बट मैंने रियलाइज किया कि जैसे जैसे आप परफेक्शन के क्लोज आते जाते हैं उतना ही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं बिकॉज उनको इनएडिकुएट फील होता है आपके साथ रह के उनको इन्फीरियर फील होता है सारे लोग नहीं जो लोग आपके कॉन्शियसनेस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है वो आपसे फिर भी जुड़ना चाहेंगे फिर भी कनेक्ट होना चाहेंगे इंस्पायर भी होंगे बट जो अभी भी अनकॉन्शियस है वो आपके परफेक्शन या सक्सेस को देख के अः फील करेंगे खुद को लेके तो जो हमें सिखाया जाता है कि आप सो एंड सो अचीव कर लो सक्सेसफुल हो जाओ परफेक्ट बन जाओ तो आपको लोग पसंद करेंगे ये हमारा मोटिवेशन कभी नहीं होना चाहिए कि लोगों को पसंद आने के लिए या एक स्टेप अहेड होने के लिए लोगों से कि हम परफेक्शन या एक्सीलेंस सीख करें कोई भी चीज में आपको फोकस करना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं कि नहीं जॉयफुल हैं कि नहीं वो आपका ड्राइव होना चाहिए ना कि लोगों को पसंद आना अदरवाइज आप दुखी ही रहेंगे एक और सिमिलर सेंगे यू आर अलोन एट टॉप मतलब जैसे जैसे आप सक्सेस के टॉप पे पहुंचते हैं आप अकेले पड़ने लगते हो तो ये ट्रू है कि हम परफेक्शन के भी क्लोज आते हैं तो लोग आपसे दूर हटने लगते हैं क्योंकि उनकी खुद की इन बाहर आने लगती है एंड पीपल लाइक पीपल हु आर फ्लॉड क्योंकि उनको भी कंफर्टेबल लगता है उनके साथ तो इसीलिए परफेक्शन को चेज नहीं करिए अपने इम को सेलिब्रेट करिए और परफेक्शन की जगह एक्सीलेंस को चेज करिए कोई भी काम करे उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें या नहीं दे पाए या नहीं हो पाए तो उसमें भी खुश रहिए दैट इज मोर देन इनफ आपने कोशिश की दैट इज मोर देन इनफ एंड आखिरी पॉइंट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट लव इज सेल्फ लव तो स्पेशली वुमेन को ये फेरी uh, टेल्स और फिल्मी मूवीज रोमांटिक मूवीज देख के एक टाइप का एक माइंड सेट बिल्ड हो जाता है कि कोई हमें आएगा नाइट इन शाइनिंग आर्मर पहन के जो हमें हमारे मिजरी से बचा लेगा एंड हमें अनकंडीशनल लव करेगा ऐसा सब रियलिटी में नहीं होता है क्योंकि जो आउटर आपका जो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस का सर्कल है वो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आपकी अपनी ओपिनियन है खुद को लेके मतलब जो आप खुद को जैसा ट्रीट करते हैं खुद को जितना पसंद करते हैं वैसा ही सामने वाला भी आपको ट्रीट करेगा तो जो आपको बचाएगा वो आप खुद हो आपको ही खुद को बचाना है अपने मिजरी से अपने आप को बाहर निकालना है और किसी का वेट नहीं करना है जो आप, आपको आके बचाएगा तो सेल्फ लव बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है बहुत ही पावरफुल है बट बहुत छोटा है उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपके सेल्फ वर्थ बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और सेल्फ वर्थ बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस और सक्सेस अपने आप आपके पास आएगा और साथ ही 2022 की मैंने लाइफ प्लानिंग वर्कबुक भी लॉन्च की है जो कि बहुत ही मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है उसका उसे भी आप चेकआउट करिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कैसे लगे आपको ये पांच पॉइंट्स मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपके कोई रियलाइजेशन है अलग वो भी मुझे कमेंट पे बताइए और इसी का इंग्लिश में ब्लॉग और पॉडकास्ट अब सुनना चाहते हैं तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सीन अनाद वीडियो टिल देन बाय